नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट है और मारपीट के दौरान पीआरडी जवान के हाथ में चोट भी लग गई है। वहीं भारी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स को दबंगों ने खुली चुनौती दी है। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मामला शांत कराया है और वहीं मारपीट का वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है और जिसके बाद हड़कंप भी मच गया है। मामला आपको बता दें कि डी थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक व्यक्ति का शव नाले में तैरते हुए देखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को नाले से निकाला है। आपको बता दें कि बांध में ही शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं काफी प्रयास करने के बाद भी शव की शिनाख्त जो है वो नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। एसपी सिटी फिरोजाबाद सर्वेश कुमार मिश्र थाना टुंडला पहुंचे और जहां उन्होंने सबसे पहले उप निरीक्षकों के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने अपराध के नियंत्रण के लिए कार्यरत पुलिस कर्मियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जिसके बाद उन्होंने वंचित रजिस्टर शस्त्र नगर और इसके साथ ही हवालात रसोई घर का निरीक्षण किया है और वहीं थाना पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं और CCTNS की जानकारी हासिल की है। एसपी सिटी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस कर्मियों को हर संभव प्रयास जारी रखने हैं और थाने में आने वाली शिकायतों का प्रभावी गुणवत्ता पूर्वक और समन्वयबद्ध तरीके से ही निस्तारण किया जाए और निरीक्षण के दौरान उनके साथ क्षेत्र अधिकारी टुंडला अनिमेश कुमार और थाना प्रभारी प्रदीप सिंह कुमार मौजूद रहे। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक रोस्टर बनाया गया जिसके अंतर्गत सभी CEOs को और एडिशनल SPs को थानों का निरीक्षण करना है। उसी क्रम में आज टुंडला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। टुंडला थाना परिसर का पूरा निरीक्षण किया गया। इसमें बैरक जो है और भोजनालय तथा शौचालय तथा अन्य हमारे जो भी भवन है उनका निरीक्षण किया गया। संपत्ति गृह का भी निरीक्षण किया गया। सरकारी जो माल है उनका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ अभिलेखों का भी निरीक्षण किया गया है। कुछ इसमें जो कमियां पाई गई हैं उनको इंगित किया गया है और इनको एक समय दिया जा रहा है जिसमें कि वो सुधार कर अनुपालन से हमें अवगत भी कराएंगे। फिरोजाबाद में एक सुने पड़े मकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है और मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 1 अक्टूबर 2022 को ग्राम सलेमपुर करखा में भागवत कथा चल रही थी। वादी परिवार सहित कथा में था। वादी द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई कि उसके घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस टीम के द्वारा जांच करने पर पता चला कि अभियुक्तगण उसी दिन भागवत कथा में तंदूर का काम कर रहे थे, जिनके द्वारा मौका पाकर घटना का अंजाम दिया गया। आज थाना पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चोरी का माल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
रास्ते में पुराने विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट हुई है और वहीं मारपीट से महिला पूरी तरीके से चोटिल हो गई है। मामले को लेकर घायल महिला ने पुलिस से शिकायत की है और साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को अस्पताल भेज दिया है। बता देते चले आपको कि घटना नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के गोपालपुर गाँव की बताई जा रही है, जहाँ पर इस मामले का विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महिला के साथ मारपीट का मामला है, जिसके बाद अब महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुका है ना उका। ठीक। श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने अचानक से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरपुर रानी का औचक निरीक्षण किया है। अचानक से पीएचसी के निरीक्षण के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी में हड़कंप मच गया है। डीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से उनका हालचाल और डॉक्टर द्वारा मरीजों को दी जा रही चिकित्सालय सुविधा का भी जानकारी ली है और साथ ही उपस्थित रहे सीएमओ को लगातार सभी सीएचसी पीएचसी केंद्रों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ ही तैनाती स्थल पर अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों और इसके साथ ही बता दें आपको कि कर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां पर बता दें कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत की खबर सामने आई है। रिश्ते में जीजा साले बताए जा रहे हैं और राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचाया है, जहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना बदोसा थाना अंतर्गत तुर्रा पुल के पास की बताई जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दिव्यांग ने प्रधान और पंचायत मित्र के ऊपर आवास के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांग को आवास नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि दिव्यांग से 10,000 रुपए मांगा जा रहा है, पैसा ना देने पर पात्रता सूची से दिव्यांग का नाम काटा गया है। महुआ ब्लॉक अंतर्गत गुमाई गांव का यह मामला सामने आया है। हरदोई में 4100 करोड़ का निवेश हुआ है। वहीं पर जनपद सत्रीय इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। बता दें आपको कि आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रंजनी तिवारी, सांसद एमएलसी विधायक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यक्रम बड़ी संख्या में पहुंचे। उदमई डीएम ने कहा कि 1500 करोड़ के निवेश का लक्ष्य मिला था। जालौन में पापा की परियों का हुड़दंग देखने को मिल रहा है। अज्ञात कारणों के चलते कोचिंग की छात्राएं आपस में भिड़ गई और वहीं साथ में पढ़ने वाले छात्र बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां से ये वीडियो अब जमकर वायरल भी हो रहा है। तो जालौन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोचिंग की छात्राएं ये आपस में भिड़ती हुई नजर आई है और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, वीडियो वायरल होने के बाद अब हड़कंप मच गया है।
श्रावस्ती में एसपी प्राची सिंह का अपराधियों पर अंकुश लगाने का ताबड़तोड़ सिलसिला शुरू हो चुका है। चोरी नक बजरी लूट के दो शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। बताते चले आपको कि मॉडर्न थाना पुलिस ने अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। बता दिया जाए कि 22 व्यक्तियों संगठित गिरोह है और आर्थिक भौतिक लाभ हेतु चोरी नक बजरी आदि घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसके दो अहम जो लोग हैं वो हैं मुकेश कुमार जो कि गोंडा का रहने वाला है और अमरचंद सोनकर जो कि श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इन दोनों के खिलाफ, ये दोनों अभ्यस्त अपराधी हैं और चोरी लूट नकबजनी इवन इनके ऊपर आर्म्स एक्ट और 307 के मुकदमे भी हैं और कुल 22 अपराधों का विवरण है इनके गैंग चार्ट में। इनके खिलाफ हम लोग ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और इनके जो अन्य लोग हैं गैंग में उनको भी ढूंढा जा रहा है। झांसी में शासन के आदेश अनुसार सड़क सुरक्षा माह 2023 के क्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु छात्राओं की दो पहिया वाहन रैली का आयोजन संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय झांसी से सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्रुति प्रगति शर्मा के आयोजन में आरटीओ आरआर सोनी सीओ और श्रुति प्रज्ञा पाठक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली झांसी के मुख्य चौराहों से होती हुई मुक्ता काशी मंच पर संपन्न कराई गई है। वाहन रैली में आर्य डिग्री कॉलेज की एनसीसी और एनएसएस की छात्राओं ने झांसी वासियों को यह संदेश दिया कि सदैव सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी करवाएं। रैली के समापन स्थल पर एआरटीओ प्रथम हेमचंद्र गौतम और एआरटीओ द्वितीय इसके अग्रवाल और इसके साथ ही यात्री कर अधिकारी दीपक सिंह टीएसआई के शर्मा द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल के अंतर्राज्यीय सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। डीएम और एसपी ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि सभी लोगों को पहचान पत्र बिना दिखाए भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बाराबंकी से घर लौटते समय पीछे से अज्ञात वाहन ने बाइक सवार के टक्कर मार दी है और दुर्घटना की सूचना परिजनों के मिलते ही हड़कंप मच गया है। बताते चले आपको कि आनन फानन में घटना स्थल पर परिजन पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मौत होने की सूचना के बाद ही परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधिक कार्रवाई में जुट गई है। मामला आपको बता दें कि सफरदरगंज थाना क्षेत्र के सफरदरगंज चौराहे में मौजूद लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग का ये पूरा मामला है। बाराबंकी के जेतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मौजूद सफरदरगंज चौराहे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ और हज के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का अल्पसंख्यक नेता अबू उमेर अंसारी ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। बताते चले कि आज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी द्वारा दरियाबाद विधानसभा में कंबल वितरित किया जाना है और जिसके तहत ही मार्ग में समर्थकों द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया और इस अवसर पर ही राज्य मंत्री मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज अल्पसंख्यक का विश्वास, साथ, आशीर्वाद और सहयोग मोदी और योगी सरकार के साथ है। हम पूरी तत्परता से जनता के विकास और अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की के लिए समर्पित है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।